मौसम की झंझट है, आज तो धूप भी हो रही है। कोई बात नहीं, वहाँ एसी होगा। टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है मास्क, दीपू ने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। ये सिलाई टेढ़ी क्यों है इसकी, बेकार लग रहा है। मास्क कोई धोए नहीं है। हाय गाइस, सो काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब ठीक हो गई थी, उसके बाद मैं फिर से बारिश पर भीग गई थी, जानबूझ के नहीं भीगी। क्या 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 टूट गया, पेड़ टूट गया गलती से। अरे कोई बात नहीं, आके ठीक कर देंगे, चलो उसमें मसाला लगा देना। ये हमारे दीपू, हाय बोल हाय। मैं भीग गई थी तो थोड़ी मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी। बट आज हम जा रहे हैं बिग बाज़ार, क्योंकि मुझे अब ठीक लग रहा है तो बिग बाज़ार मुझे जाना था, काफ़ी टाइम से लेट हो गई थी। तो हम जा रहे सेक्टर 18 और मैं जा रही हूँ, मम्मी जा रही है और कौन जा रहा है, इसको हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। तो भाभी नहीं जा रही है क्योंकि भाभी यहाँ पे है नहीं थी। भाभी कहाँ, बता दे लोगों को, बता दे भाभी कहाँ। मायके 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 के होता है उनका घर। और ये किसका, भाभी घर नहीं है, ससुराल है भाभी का। ये ससुराल है तो ये घर नहीं है भाभी का, है तो दो घर है भाभी के, हमारा तो एक ही है। आपके भी दो जाएंगे कुछ टाइम बाद, तेरा एक ही रहेगा ना, कुछ छेड़ने में मजा आता है। तो भाभी मायके जा रही है, काफ़ी आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया है, शायद 10 दिन तो हो गए होंगे। हाँ, और रक्षाबंधन के बाद आ जाएगी अगले दिन, यानी कि शायद 23 या 24 को आ जाएगी, और बाकी मुझे पता नहीं है, फिर इस महीने रह के आएगी, तो जैसा भी है। तो इसलिए हम तीन ही हैं, तो तीन ही जा रहे हैं। फाइनली हमने प्रस्थान कर लिया है। मम्मी हाय बोलना चाहते हो, ये दीपू की फेवरेट भाषा, हाय बोल दो। तो बोल रहे तो हाय गाइस, कैसे हो, सब ठीक हो। ये मम्मी का डायलॉग हो गया, मम्मी का याद। हाय गाइस कैसे हो, सब ठीक हो। और तेरे क्या डायलॉग है? मेरा कुछ नहीं है। तेरा तो कुछ नहीं है? नहीं है, वो हाल चाल पूछ रहे हैं। हाल चाल पूछ रहे हो, अच्छा हाल चाल। आपने मैचिंग का मास्क पहना है तूने? मुझे कुछ काम है तो मैं उतर गई हूँ, मम्मी और पीछे ही हैं रिक्शे में, वहाँ वेट कर रहे हैं, मैं जल्दी से काम करके आती हूँ भग के। तो काम तो मेरा हुआ नहीं, पर मम्मी और वो बैठे वेट कर रहे हैं मेरा तब से। खिचड़ीपुर जाना पड़ेगा बल, क्या बात। मैं ना नीचे रहूंगी, तुम जाना लिप से। अरे मम्मी का तो डर लगता है। बोला कि वो खराब हो रही क्यों, सीढ़ियों से तो जा सकते, सीढ़ियाँ आएंगे। अरे तो डरने वाली बात थोड़ी है। ये है अट्टा मार्केट, बेसिकली खो गए बिल्कुल यहीं था, हम पीछे आ गए, अब तो मिल गया हमें, आ गई है इसी रोड पे। और मम्मी को देखो, मम्मी कह रही धूप में चला ले तू हमें। फाइनली हम पहुंच गए हैं इतना भटकने के बाद, दीपू को ऐसे गुम हो गए थे। तो बिग बाजार दोनों जगह है, DLF और GIP दोनों में। मैं DLF में आ रही क्योंकि GIP में लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना तो बहुत सारी चीज़ें बंद थी, मैंने कहा DLF ही चलते हैं। बुरी हालत हो गई, धूप बड़ी गंदी है, मम्मी कितनी पीछे हो रही। जल्दी आओ जल्दी आओ। कौन से सीढ़ियों में? अरे हाँ हमें तो इसमें जाना है, हम सोच रहे दो चार बार इसी में राउंड लगाते हैं ना। अरे पहले देखने दो कि नीचे जाना है कि ऊपर जाना, बेसमेंट में बिग बाजार तो ऊपर नहीं जाएंगे, पहले मुझे मैप देखने दो, मेरे को ऊपर हो तो ऊपर ही जाना पड़ेगा, ऊपर क्या नहीं जाएंगे। मम्मी को बड़ा डर लगता है बहुत ज्यादा।
मम्मी ने एक वीडियो देखी थी, इसमें बच्चा अटक गया था ना, तब से मम्मी को ऐसा नहीं, इसमें तो अटक जाते हैं, मर जाते हैं। जाना है yes. नीचे भी इसी से जाना है और दीपू को तो ऊपर जाने में ठीक है, दीपू को तो नीचे जाने में भी डर लगता है, तो आप दोनों यही बैठो, मैं आती हूँ घूम घाम के। ये आ जाओ, जाओ दोनों हाथ पकड़ के जाओगे, दोनों हाथ पकड़ो, अरे तो अपना आप ही जाएगा, पाँव रखे रखो बस। बिग बाजार नहीं, नहीं होम सेंटर आ रहा, अरे आ सकते, चलो तो पाँव रखो बस बस, कितना इजी है। मम्मी कह रही मुझे तो ये प्रैक्टिस करवाने लाइए क्या, मैं नीचे चली गई गलती से गलत जगह, दो चार बार ऐसी करती हूँ मम्मी को, मतलब ऊपर नीचे कराती हूँ मम्मी ने भी कुटाई कर देनी यहीं पकड़ के सबके सामने, ये तो यूं नहीं है, यूनि में नहीं जाना है। जल्दी आओ, घर जा रही हूँ, घर घर हाँ घर जा रहा, आ जाओ आओ मम्मी आओ, बस कितना सिंपल है, हाँ खुद डरती है मम्मी, नीचे जाना, नीचे और कहाँ नीचे जाएगी, पहले कुछ खाना है आपको, लेकिन किस लिए आए, अरे सामान लेने तो आए हो, लेना है मुझे कुछ, ले रही हूँ मैं, हाँ यही सो रही हूँ मैं, दीपू लेके जाएगी अपने ऊपर उठा के, हाँ तूने मिलवाया, मम्मी बहुत पीछे रहती है। आई थिंक आ गए हो, हाँ आ गए, डायपर्स लेने, डायपर्स बाद में लेंगे तो बेबी हो जाएगा। ए, मिल गया मेरा, आप इंसान हो, कप्स, आपको पता है मेरे क्या खरीदना है, मेरी फेवरेट चीज़ है, सब खरीद लो, सब खरीद लो, दिला रही है, और मुझे दिखने रहा जो मुझे चाहिए, 10 रुपये लगेंगे ना, ये स्टील के कप कितने अच्छा लग रहा है ना, कौन से, वहाँ पे स्टार्टिंग में, हाँ मैंने देखे, मेरे ध्यान कांच में था, वैसे मुझे ये भी चाहिए पर मैंने ले रखा है ना, तो ये है तो क्यों लेना फिर, स्टील के कप तो देखिए क्यूटी है, अरे वाह अच्छा लग रहा है, कितने के, 59 का सर, ये भी तो है इस वाले शेप में, हाँ ये भी 59 का है, दो ही सेप है, मैं 6 आपको पड़ जाएंगे, 309 645 345 350 मतलब, ये बड़ी है, मुझे लगती तो नहीं है, नॉर्मली साइज है, इतना साइज तो है ना माँ, कितने इंच होगी, हाँ ये दीपू के काम आएगी, ये ब्लैक वाली, ब्लैक, हाँ ब्लैक वाली ही मिल जाएगी मुझे यहाँ पे, उससे बड़ा है थोड़ा यार, आज मम्मी सब खंगाल देगी, क्या है ना कप प्यार है ना, ये कितने के कप देखो, ये भी उतने के, ये मैंने थाली एक चूज करी है, उसका क्या करना, ये गिलास अच्छा लग रहा है मेरे को बड़ा, वहाँ पे बर्तन रखने की जगह नहीं है मेरे घर पे, ठीक है, हाँ बर्तन 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 बर्तन, मुझे मेरे को बर्तन बहुत पसंद है दीदी, वैसे जाएगी, हाँ अपने बर्तन ले जाऊंगी मैं, जा ट्रॉली ढूंढ के ला, इसे बड़ा साइज तो है पर मेरा क्या काम, ये है ना सर, मछली नहीं मुर्गा, मुझे ना इसे पूरा मुर्गा बन जाए, कितनी प्यारी है ना ये, 56 क्यूट है ना, लेकिन ये कितने के, ये इंचीज भी तो नहीं लगे इसमें,
वैसे में तो मैं दिख रही हूँ ऐसी सा थोड़ी है। तो और इसको वो नहीं बनाते चटनी? अच्छा चटनी पर ये ना किसी बाबा ने किसी को दिया, बोला एक ऐसे, बोला ऐसे खा। तो दूसरे दिन ना वो आया, उसने कहा मेरा पेट ऐसा साफ हो गया ना बाबा जी, जैसे मैंने कितना। अरे वो सब खरीदे हुए होते हैं। वही भाई रेडी टू एट नूडल्स। एक ये भी वही भाई ट्राई करते हैं, ये भी रख दे दीपू। अरे वाह ये अच्छा लग रहा है, टॉप रेमन करना है फिर इसीलिए ये रख। बड़ा पैकेट नहीं है क्या इसमें? पता नहीं ये पैकेट के अंदर है, महंगा होगा ये 58 रुपीज का है। सॉसी मसाला दीपू की फेवरेट जगह। फाइनली जो जो थोड़ा बहुत सामान ले लिया इतना हो गया, बिलिंग हो जाएगी। इधर पीछे आ जा, दीपू के हाथ में भी है और मम्मी के हाथ में भी है। दीपू को बैग नहीं दिया हमने, बैग के बराबर ही। अरे मतलब वो रखने के लिए सामान रख, ये फ्री मिला एक्चुअली लास्ट में। जो दीपू के हाथ में ना सिर्फ आटा चावल और दाल है, जूस नहीं मिला है, जूस खरीदा है। मम्मी मुझे डांटने में लगी हुई, कह रही मैं घर जा रही हूँ कि तू चढ़ाने में लगी हुई है, और सामान ही बहुत भारी है, मैंने तो नीचे रख दिया। कितनी डांट पड़ गई मेरी कि मेरा भूख ही मर गई। क्या खाना बताओ, कोई सीट पे बैठो, चलो चलो छाया वाली जगह ढूंढ रहे हो। क्या खाना बताओ। अरे कांच का भी तो सामान है ना, मैं तो पटकने में लगी हुई। रख दे ऊपर, रखो बैठ जाओ। थक गए? क्या खाओगे बताओ, मेरे को तो पता है मेरे को क्या खाना है, बताओ। कुछ अच्छी चीज क्या बताओ ना दीपू के। बर्गर ना, बर्गर फ्रेंच फ्राइज, जल्दी बताओ। पहले मैं रोटी रोटी क्या खानी, मिलने के तो कुछ भी मिल जाएगा। तीनों ने सोचा जो अलग अलग जगह मिलेगी, मेरे को बर्गर खाना है, दीपू को नूडल्स खाना है और मम्मी को खाना है रोल। पहले देखो कहाँ पे क्या मिलेगा। KFC नजर नहीं आ रहा इधर। तो फाइनली आ गया दीपू का है नूडल्स और पानी, प्यास लगी है तो ये तो पानी लिया है। यहाँ दो रोल्स हैं मेरे लिए, KFC का चिकन बर्गर है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद चिकन खा रही हूँ, सावन खत्म हो गया, कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज है, मम्मी के छोले भटूरे हैं मेरी तरह और हम सब की तरह। इतनी हालत ख़राब हो गई ना, लेते लाते एक एक सामान 10-10 मिनट के लिए बोल रहे थे खा लो। दो क्रीम भी मिली मुझे कि आई डोंट नो पता नहीं कौन सी है, 1000 आइलैंड है। ये पानी की बोतल सिर्फ इतनी से 70 रुपए की दी है। इसको प्यास लगी तो मैंने कहा ले लो चलो ठीक है। मम्मी को भी देते, मम्मी को भी लगी प्यास, मम्मी स्टार्ट भी हो गई, मम्मी को बहुत भूख लग रही थी। मतलब खाना खाने के बाद पियो, बाकी तो फर्स्ट ये मम्मी दीपू को खिला रही है। तो फर्स्ट टाइम है जब मैं KFC का बर्गर खाऊंगी, चिकन बर्गर। वीडियो में दिखाओ नहीं, नहीं क्या पहले ऐसे खाऊंगी। तो मैंने स्पाइसी बोला था तब जाकर इसमें थोड़ा नमक हो रहा मुझे लग रहा है। बहुत सॉफ्ट है, उतने टाइम बाद चिकन खाने के बाद ना टेस्ट करोगे। दीपू तो खाएगी नहीं,
ठीक है मेरा फ्रेंच फ्राइज तो खा सकती है ना। हाँ फ्रेंच फ्राइज खा ले, कोक भी पी ले थोड़ी, कोक पीने कैसे है वहाँ पे मुझे लगा था कम पड़ेगा, मेरे पेट ऐसा हो गया एक बर्गर में ही। बाप रे बहुत हैवी बर्गर है वो, एग रोल 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 मम्मी ने छोले भटूरे खा लिए, मैंने आधा रोल खा लिया, मैंने बर्गर खा लिया, फ्रेंच फ्राइज खा लिए, कोक पी ली, इसका आधे नूडल्स भी खत्म नहीं हुआ। स्टाइल मार रही है मम्मी कह रही है। सामान बहुत भारी हो रहा था तो रिक्शे से जा रहे, मेरे हाथ में रोल है खाया नहीं गया, मैं पीछे बैठी हूँ, स्कूल के दिन याद आ गए। बहुत थक गए दीपू, थक गई उसने आटे की थाली मार दी, सारा आटे की थाली फाड़ दी, उड़ रहा वो अब। अरे चीरा तो मार दिया एक, मम्मी उसकी साइड लेगी, सारा नहीं फाड़ा उसने, मैंने हल्का सा छेद भी कर दिया ना लाडली, और खुद से फटी है तो मेरी जिंदगी ऐसी झाड़ू झाड़ू पड़ेगी मेरे को। जब आप इकलौते होते तो आप बहुत खुश होते हो, फिर आपके पीछे नहीं जाना, ज्योति बता देंगे बाहर निकाल दो बस भैया, मैं बाहर निकाल दो बाहर, जहाँ से ई रिक्शा मिलता ना ये अट्टा पे छोड़ दो, अट्टा पे आप जब तक लौते होते हैं आप बहुत खुश होते हैं, फिर आपके पीछे भाई या बहन आ जाती है, फिर आपकी ज़िंदगी बहुत बेकार हो जाती है, क्योंकि वो लाडला हो जाता है और आपको कोई पूछता नहीं। और ख़ासकर अगर आप बड़े हो फिर भी आपको पूछा जाएगा, पर अगर आप बीच के हो मतलब आपसे बड़ा कोई है या फिर आप छोटा, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, बीच की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ मेरे पापा भी कहते हैं बेटा बीच वाले बच्चे की वैल्यू नहीं होती है, पापा भी बीच के हैं, क्योंकि कहते हैं देखो मेरे साथ ऐसा होता है ना, अगर मैं भाई से लड़ाई करूँ तो मेरे को डांट पड़ती है कि बड़े से मुंह चला रही है, बड़े से लड़ रही है, तमीज़ नहीं है, और दीपू से लड़ूँ तो वो बच्ची है, तेरे पे तो दिमाग होना चाहिए, तो बड़े है ना। अट्टा छोड़ दो, अट्टा अट्टा भाई बिकाने वाला, हाँ हाँ बाहर निकाल दो, हाँ मजा आ रहा पीछे बैठ, पीछे बैठने के भी अलग ही मजे है ये। ओरे मोरी मैया जे का गो रे थगोरे थगोरे मम्मी थगोरे कह रही कहा गई टी शर्ट, ऐसे पूछते है पंखा चला दे ते दीदी ने तो मर जाएगी, हाँ चला दे ये पैंट मेरी टाइट हो रही थी जाते समय, अरे अभी खाना खा के आई तो ढीली हुई। मस्त जोक मारा है रे पैंट ने, चल मैं भी बदल रही कपड़े, कपड़े बदल के तब मजा आया, थक गए ऐसी आपको कहा अच्छा लगेगा मॉलसॉल। ये दीपू ने ना मरोड़ दिया, ये भी गिराया और आटे की थैली भी, दिखा दो दीपू काम दिखा दो, ये देखो मुंडी मरोड़ दी बेचारे की। और आटा भी फाड़ दिया, और मुझे ना कोरियन नूडल्स भी मिले वहाँ से, 5 पैकेट है, पता नहीं कौन सा फ्लेवर है ए। तो ऑलरेडी मेरे पास और भी नूडल्स पड़े हैं जो मैंने मंगाए थे, बट मैंने खाए नहीं सावन की वजह से, अभी वो भी खाना है तो ये सामान लेके आए हैं, और बहुत सारा सामान है और क्या है, ये मैं थाली लेके आई हुई, और क्या है खुद ही भूल गई, और ये मैं बाउल लेके आई हूँ, दो ये बाय वन गेट वन फ्री था, बाकी ऐसी है तेल है और ये तो फ्री मिला है, ये मम्मी लाई है नमक रखने के लिए, अब तो दूसरा लाए थे आपने, महंगा वाला रख दिया, हाय सस्ते वाले की जगह 100 रुपए तो फालतू है यार, ये बढ़िया लग रहा है, मैं कभी 100 रुपए तो ज्यादा महंगे है, नहीं इसमें मतलब 400 रुपए बना सकते हैं, 100 रुपए ज्यादा महंगे है, कहेंगे ना 100 रुपए चीटिंग कर दी, देखना मेरे सामने सस्ता वाला रखा वो, लेकिन मम्मी ने देखो मना किया, मम्मी बैठ जाते हैं,
बाकी सारा सामान जब जब मैं वीडियो बनाऊंगी आपको दिखे जाएगा, नूडल्स वगैरह है। कहा है मम्मी, था ना? तो बाकी ये सामान है, ये तो फ्री मिले हैं चावल इंडिया गेट के। और मुझे एक चीज दिखाऊं, ये रही मॉन्स्टर की ड्रिंक मिली है। मैंने ना फॉरेन बंगर्स है ना, उन्होंने उनको मतलब पीते हुए मैंने देखा, तो जैसे मुझे देखी मैंने ले ली। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं ये यूज़ करूँगी, आई होप ये ना टूटे इसका मेरे से। बाकी और ये अमूल क्रीम है, ये वेफल्स है, ये दो के साथ दो फ्री थे तो मैंने ले लिए। मिर्ची वगैरह है, मिर्ची का अचार, भरवा मिर्ची, कुछ अमूल क्रीम है, और ये नूडल्स हैं, ये भी नूडल्स हैं, ये दाल वगैरह हैं, ये फ्री मिली है भी दाल, आठ ये दाल, और जो मैंने राइस दिखाए वो चावल, और ये आटा रखा है ना फ्री मिला है। ये पार्टी करेंगे गाइस, सभी हमारे घर पे आना। और ये देखो, ये भी नूडल्स हैं, ये पीके नूडल्स हैं, ये पापा के लिए मारी गोल्ड है या अमूल क्रीम है, मारियो गोल्ड तो होता हो, मारी गोल्ड सॉरी, ये मारी गोल्ड है पापा के लिए। ये भी नूडल्स हैं, नूडल्स तो मैं बहुत लाई हूँ। यही कुछ है, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं सोने वाली हूँ, मतलब सोने नहीं वाली हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी और कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ। पेट एकदम गले तक भर गया है, और दीपू को भी कुछ नहीं खाने दूंगी, जूस पिएगी या फ्रूट्स खाएगी, खाना नहीं खाएगी आज, ठीक है? ये तो कभी हाँ नहीं बोलेगी मुंडी इसकी, यूँ हो रही है खाने, तुझे खाने के लिए जब कोई पूछे तो करेगा ऐसे, समझे? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय मम्मी, बाय कहो, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, सुबह डालूंगी मैं, गुड मॉर्निंग, बाय बाय।